हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में क्या है, किसी भी एक्ट को इंटरप्रिटेट करना, ठीक है, उसकी व्याख्या करना। अब जो उसकी व्याख्या की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी, कोर्ट ने उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्या है कि इंटरप्रिटेशन के लिए एक लाइन ध्यान रखनी है कि लॉ क्या है। लॉ इज डिजायर ऑफ लेजिस्लेशन। लॉ क्या है, लॉ इज डिजायर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि कानून क्या है, विधायिका की इच्छा है। जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में, वो मेनली जो हमारा लेजिस्लेशन है, जो विधायिका है, उसी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो कोर्ट है उसकी ये प्राइमरी ड्यूटी है क्या, उसको इंटरप्रेट करने की। इंटरप्रेट करने की उसकी ड्यूटी है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि कोर्ट के सामने जो भी डिस्प्यूट आया उसको अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ उसका डिस्पोजल करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ उसका डिस्पोजल करना है। कोर्ट ये भी देखता है, ये भी जान कर लेता है कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन को इसको जानने की, इसको मालूम करने के लिए मालूम करता है कि, और उसी के हिसाब से उसका जजमेंट कि जिस समय ये एक्ट बनाया, किस इंटेंशन को रख करके या किस कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया, उसी के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ इसका डिस्पोजल करेगा। इसका कोर्ट का ये काम होता है कि इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन जो है उसको मालूम करे। ठीक है, यहीं पर एक और बात देखते हैं कि कोर्ट की ये ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी है उसकी कि लैंग्वेज, ठीक है, लॉ की जो लैंग्वेज, ठीक है, उसी में से, उसी को देख करके, उसी को पढ़ करके इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन निकालने की कोशिश करें। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन, जो विधायिका की क्या इच्छा है, उसको जो उस कानून की जो लैंग्वेज है उससे ही उसको वो निकालने का प्रयास करता है। ठीक है, उसको इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन को फाइंड आउट करना या यूं कह लो डिस्कवर करना, ठीक है, खोजना जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन है, उसने जो विधायिका ने कानून बनाते वक्त जो लैंग्वेज यूज़ की है उस लैंग्वेज में से ही उसकी इंटेंशन को निकालना, ठीक है, ये कोर्ट की ड्यूटी होती है। ठीक है,
और ऐसा करते वक्त वो आर्बिट्रेरी रूप नहीं अपनाएगी, यानी कि मनमाने तरीके से नहीं चलेगी कि जो उसका मन कर रहा है उस चीज़ को, नहीं, उसको जो इंटेंशन है उसको प्राकृतिक जो तरीके से जो नेचुरल मीनिंग्स हैं उनसे निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से जब काफ़ी समय से जब कोर्ट नए नए तरीके खोजे तो कुछ प्रिंसिपल्स इमर्ज हुए, कुछ प्रिंसिपल्स इमर्ज हुए किससे इमर्ज हुए, इन द सर्च बाय द कोर्ट। ठीक है, इन द सर्च बाय द कोर्ट, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं हम, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जब काफी समय से जैसे जैसे कोर्ट के सामने प्रॉब्लम आए उसने नए नए रूल्स निकाले, उन्हीं रूल्स को उन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या कहा गया, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें कुछ प्राइमरी रूल्स हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, जैसे लिटरल इंटरप्रिटेशन, मिस्चीफ रूल, ठीक है, गोल्डन रूल, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये सब क्या है, ये कुछ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किए, इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन करती है जो भी उसके सामने परेशानी आती है, या कोई कोर्ट लॉ की लैंग्वेज को लेकर के कहीं कोई मीनिंग निकालना है तो वो इन प्रिंसिपल्स को, जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किए गए हैं काफ़ी समय से, सदियों से जब कोर्ट ने काफ़ी लंबे समय से इन प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया, इनको रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल, वो आगे देखेंगे। लेकिन इन्हीं रूल्स पर चलकर लॉ जो कोर्ट है इंटरप्रिटेशन करती है स्टेट्यूट्स का। ठीक है, दो शब्द आते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, इन दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। ठीक है, अदरवाइज ये एक ही सेंस में यूज होते हैं जनरली। ठीक है, जब जो एक्ट है, एक्ट की लैंग्वेज, ठीक है, एक्ट की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें जो वर्ड्स यूज हुए उनका, उन वर्ड्स का नेचुरल मीनिंग में ही उसके ट्रू नेचर, ट्रू नेचर को, ठीक है, डिटरमाइन करना, ठीक है, ये क्या है, इंटरप्रिटेशन। जो एक्ट है उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई
उसके वर्ड्स, उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनके प्राकृतिक अर्थों में ही उस एक्ट के ट्रू नेचर, जो ट्रू नेचर को निकालना, ट्रू नेचर को डिटरमाइन करना, ये है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और जब बात कंस्ट्रक्शन की होती है, कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें जो है गोइंग आउटसाइड द वर्ड्स, ठीक है, गोइंग आउटसाइड द वर्ड्स इन द एक्ट, जो एक्ट में जो वर्ड्स हैं उनसे बाहर जाकर, ठीक है। और किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ हिज सॉल, उसकी आत्मा के आधार पर, उसकी आत्मा के आधार पर जो एक्ट में शब्द यूज हुए हैं उनसे बाहर जाकर के, ठीक है, ट्रू नेचर को निकालना, उसके ट्रू नेचर को फाइंड आउट करना, ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है? जो एक्ट में लैंग्वेज जो यूज हुई है उनके वर्ड्स के नेचुरल मीनिंगों को जानकर, नेचुरल मीनिंग्स के, नेचुरल मीनिंग्स में उसी के प्राकृतिक अर्थों में ही उसके ट्रू नेचर को जानना, ये क्या है? इंटरप्रिटेशन है। और कंस्ट्रक्शन क्या है? जो एक्ट में वर्ड यूज हुए हैं उनसे बाहर जा करके उसकी आत्मा के आधार पर, उस एक्ट की आत्मा के आधार पर, ठीक है, उसके ट्रू नेचर को जानना, ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये इसमें माइनर डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अदरवाइज इनको सेम सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। लिटरल इंटरप्रिटेशन या लिटरल कंस्ट्रक्शन दोनों जो है एक ही चीज है, ठीक। अब हम इस पर देखते हैं केस लॉ। R.S. Naik versus A.R. Ankule, ठीक है, 1984 का मामला है, 1984 का मामला है। क्या कहा गया? R.S. Naik versus A.R. Ankule के केस में कि इंटरप्रिटेशन कब करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन का यूज कब करना चाहिए, तो इसमें एक आ गया, जब कोई एम्बिग्यूटी हो, वर्ड्स अनक्लियर हो, या जो वो क्या कर रहा है, डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट्यूट, वो स्टेट्यूट के ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रहा हो, या वर्ड्स अनक्लियर हो, कोई लैंग्वेज में कोई एम्बिग्यूटी हो, भ्रामकता हो, ठीक है, तब इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, इंटरप्रिटेशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कब यूज करना चाहिए? जब उसकी लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी हो, वर्ड्स अनक्लियर हो, या वो जो एक्ट स्टेट्यूट का ऑब्जेक्ट है उसको डिफीट कर रहा हो। तो ये R.S. Naik वर्सेस A.R. Ankule के केस में ये बात कही गई, ठीक है। इस पर एक और केस लो है, राम अवतार
वर्सेस, ठीक है, असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर, ठीक है, 1961 सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ठीक है, काफी फेमस केस लॉ है ये, ठीक है। इसमें जो बैटर लीफ, ठीक है, बैटर लीफ इसको पान का पत्ता, इसको इंटरप्रिटेशन करना था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो असिस्टेंट सेल टैक्स कमीशन ऑफिसर है, इसने इस पर बैटर लीव पर सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया, और जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि ये तो बैटर लीव क्या है, ये सब्जी में आती है, वेजिटेबल में आती है, इसलिए इस पर जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल में आती है तो इसलिए इस पर जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये बात कही पिटिशनर ने। अब कोर्ट के सामने मामला ये था कि अगर ये सब्जी में शामिल है तो इस पर ये सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, और अगर ये सब्जी में शामिल नहीं है तो इस पर ये सेल टैक्स लगेगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन करनी थी कि बेटर लीफ सब्जी वेजिटेबल में शामिल है या नहीं। तो जो पिटिशनर है, पिटिशनर ने ये कहा कि देखिए ये वेजिटेबल में शामिल है, क्यों, क्योंकि वेजिटेबल क्या है, जो पेड़ की पत्तियों से, पेड़ से प्राप्त होने वाले चीज़ें या पेड़ की जड़, ठीक है, उनसे प्राप्त होने वाली चीज़ों को वेजिटेबल में रखा गया है, और पान की पत्ती भी इसी तरीके से प्राप्त होती है, इसलिए वेजिटेबल में शामिल है। कोर्ट के पास, कोर्ट ने जब सुना दोनों पक्षों को, तो कोर्ट ने कहा यस, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये भी वेजिटेबल की तरह पेड़ से ही प्राप्त होती है, लेकिन मेन क्या है कि जो वेजिटेबल है उसे हम चबा चबा कर खा जाते हैं, लेकिन पान जो है, पान का पत्ता है, उसको हम चबा कर थूक देते हैं, इसलिए ये वेजिटेबल में शामिल नहीं है, और शामिल नहीं है तो इस पर जो सेल टैक्स लगाया गया वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बात हुई कि ये इस पर सेल टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है जी। राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पर कोर्ट ने लिटरल रूल को अप्लाई किया था, लिटरल इंटरप्रिटेशन के रूल को अपनाया, और ये कहा कि इस पर टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि, मैंने बताया था जो एस्टेब्लिश रूल है, जो रूल, लिटरल रूल, गोल्डन रूल, उन्हीं को फॉलो, या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, उन्हीं को फॉलो करके, ठीक है, इंटरप्रिटेट किया जाता है किसी भी स्टेट्यूट को, ठीक है। इसमें एक और केस है कवर सिंह का, कवर सिंह वर्सेस, ठीक है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1965 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट 1965 का है ये मामला। इसमें क्या हुआ, जो हॉर्स कैटल है, हॉर्स कैटल, ठीक है, जो आवारा पशु, उसमें जो एबेंडॉन है, जो परित्यक्त है, वो उसमें शामिल है। अब परित्यक्त में वो भी इंक्लूड है, वो जानवर भी इंक्लूड हैं, ठीक है, जिनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है, खुला छोड़ दिया गया है, या बिना देख रेख के छोड़ दिया गया है, वो जो है इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो एक कवर सिंह है, जब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आवारा पशुओं को
एमसीडी ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए जो है मुहिम चलाई, तो इसमें इसके भी जानवरों को पकड़ लिया, ठीक है। तो उसने कहा भाई ये तो मेरे अधिपत्य के जानवर हैं, मेरा इन पर वो है, तो इनको इसको पकड़ने का वो नहीं। तो कोर्ट ने कहा हॉर्स कैटल में जो है ऐसे पशु भी शामिल हैं जिनका अगर कुछ समय के लिए उनको परित्यक्त कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, तो वो भी जो है इसमें अबैंडन्ड में शामिल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने 3 केस लॉ इसमें डिस्कस किए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।